डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर, विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में अपनी पिछली वीडियो में अपन ने कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति, कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति और कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति ये अपन पढ़ चुके हैं। आज की जो अपनी वीडियो है वो है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। चिन्ह होता है इसका के लिए। क्या चिन्ह होता है? के लिए, और कहीं कहीं को छुपे हुए रूप में रहता है। राम के लिए या राम को, कहीं को छुपे हुए रूप में रहता है। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है वो देखिए। वैसे तो इसका सूत्र होता है कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम अप्रीति से संप्रदानम, अर्थात कर्म से, कार्य से जिसको कुछ दिया जाता है, ठीक है, कर्म से जो अभिप्रेत होता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। कर्म से जो अभिप्रेत होता है अर्थात जिसके लिए कर्म किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। सम्यक या भली भांति प्रकार से दान दिया जाए या किसी को कोई वस्तु दी जाए तो उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो देखिए परिभाषा, सम्यक जिसको बोलते हैं भली भांति, भली भांति प्रकार से दान दिया जाए, अथवा जिसको कोई वस्तु प्रदान की जाए जिसको कोई वस्तु क्या की जाए, दान दी जाए या प्रदान की जाए, दी जाए उसकी उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान कारक संज्ञा होती है। और संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसका सूत्र है, पहला सूत्र कर्मणा यम अभिप्रेति, अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, यम अभिप्रेति से संप्रदान अर्थात कर्म से जो अभिप्रेत होता है, कर्म से जो अभिप्रेत होता है अर्थात कर्म से जो अभिप्रेत होता है होता है अर्थात जिसके लिए कर्म किया जाता है अर्थात जिसके लिए कर्म किया जाता है
जिसके लिए कर्म किया जाता है, जिसके लिए कर्म किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, क्या राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है और धनिक याचक को वस्त्र देता है। नंबर एक, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ठीक है, तो आएगा नृप है, के लिए आ रहा है, अपन को पहचान हो गई चतुर्थ व्यक्ति है, तो ब्राह्मण आए क्या देता है, गाम धेनुम यच्छति, ठीक है। और दूसरा है धनिक याचक को वस्त्र देता है, धनिक याचक को वस्त्र देता है, यहां आएगा धनिक है, याचकाय वस्त्रम यच्छति, ठीक है। दूसरा जो इसका है वो सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, रुच्यमान होता अच्छा लगना, रुच्य अर्थानाम प्रियमाण है, रुच्यमान होता है अच्छा लगना। रुचि अर्थक धातुओं के साथ जो प्रसन्न करने वाला है, करने वाला है, उसके संप्रदान संज्ञा होती है। समझ लो कि अच्छा लगना, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उस अच्छे लगने वाले में क्या आएगी, अच्छे, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी आती है, और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रथमा आती है, ध्यान रखना, जो वस्तु अच्छी लगती है उस वस्तु में तो प्रथमा आएगी, और जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी आएगी, या नोट कर लेना, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई वस्तु जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो वस्तु अच्छी लगती है
जिसे और जो वस्तु अच्छी लगती है जिस किसी को और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। समझ रहे हो? जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, अब जिस किसी को आ गई तो बालक हो गया, बालक के लिए चतुर्थी लग जाएगी। क्या अच्छा लगता है? लड्डू। वस्तु क्या है? लड्डू। तो लड्डू में तो आएगी प्रथमा और बालक में आएगी चतुर्थी। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है, तो आएगा यहां बाल काय मोद कम रोचते। बाल काय मोद कम रोचते, बालक को क्या लगता है? लड्डू अच्छा लगता है, और लड्डू अच्छे लगते हैं वहां रोचनते हो जाएगा, ठीक है। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को दूसरा वाक्य है भक्ति अच्छी लगती है, तो आएगा हरि ये भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अगला है क्रुद्रुहे ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप है। तीसरा है क्रुद्रुहे क्रोध द्रुहे ईर्ष्या असूया नाम असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है। तो देखिए क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूया अर्थक धातुओं में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है, जिसके प्रति क्या किया जाता है? क्रोध आदि। तो देखिए क्रोध क्रोध करना, क्या करना? क्रोध। द्रुह है अलग अलग आ रहा है, द्रुह है माने द्रोह करना, और ईर्ष्या ईर्ष्या माने घृणा या जलन, असूय निंदा, अर्थक आदि अर्थक में आदि
अर्थक धातुओं के योग में जिसके ऊपर आदि अर्थक धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, क्या आएगा? पिता या पुत्र से पिता पुत्राय क्रोध्यति। सीता गीता की निंदा करती है, सीता गीता से ईर्ष्या करती है, तो आएगी सीता गीता यही गीता यही। ठीक है, क्या ईर्ष्यति, क्या जाएगा? ईर्ष्यति, ईर्ष्या करती है, हो गया। अगला जो अपना सूत्र है वो है नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच। चौथा है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगाच। अब देखिए अलग अलग शब्द हैं, यहां देखिए नमः नमस्कार, स्वस्ति स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, स्वधा आहुति पितरों के लिए, अलम पर्याप्तता या समर्थ, वसट आहुति। अर्थक शब्दों के साथ के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, जैसे गणेश के लिए नमस्कार, क्या आ जाएगा? गणेशाय नमः,
आ गया नम है और यहां चतुर्थी विभक्ति लग गई। नंबर दो, राम का कल्याण हो, तो रामाय स्वस्ति भूयात् ठीक है। इस प्रकार से इन शब्दों में क्या है, यह आ गया स्वस्ति, यहां चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और अगला है तादार्थे चतुर्थी वाच्या, अगला है तादर्थे चतुर्थी, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। व्यक्ति का प्रयोग होता है ठीक है। जैसे हरि मुक्ति के लिए, हरि मुक्ति के लिए हरे मुक्ति के लिए हरि को बजता है, भगवान को बजता है। देखिए हरि मुक्तये, मुक्तये ईशम भजते, मुक्तये मुक्तये ईश्वरम ईश्वर मुक्ति ईश्वरम भजति, हरि मुक्ति के लिए भगवान को भजता है। और दूसरा है शिशु बालक दूध के लिए रोता है, बालक दूध के लिए रोता है। तो आएगा बालक है दुग्धाय क्रंदति, क्रंद माने रोना, बालक दूध के लिए रोता है। और हित सुख आशीर्वाद प्रार्थना इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो हित और आशीर्वाद, कुशल और स्वागत, छठा है हित कुशल स्वागत ठीक है।
और निवेदन, आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, ठीक है। आदि शब्दों के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्वागतम भवत्ते, आपका स्वागत है। स्वागतम, आपका स्वागत है देवी जी, आपका स्वागत है। तो आएगा भवत्ते, भवत्ते स्वागतम, या स्वागत है भवत्ते स्वागतम। और अगला है विप्रा हितम भूयात, ब्राह्मण के लिए हित हो। ब्राह्मण के लिए हित हो, तो आ रहा है ब्राह्मणाय हितम भूयात। ब्राह्मणाय या विप्राय हितम भूयात, विप्राय चतुर्थी आ रही है, हितम भूयात, ये शब्द आ जाए तो इनमें भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये तुम्हारी चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक अच्छी तरह से उतारें, नोट करें और याद रखें।